ऊपर जाना आज जा रहे जी हसन आज मैं जाता ऊपर कम से कम 25,000 से ज्यादा बाइक रैली के साथ आकर के नॉमिनेशन भरा है। 25,000 से ज्यादा बाइक रैली में आए हुए 50,000 कार्यकर्ता उनका उत्साह और उमंग और जज्बात आचार्य जी का विजय 40,000 से ज्यादा अंतर से जीतने का दर्ज करेगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाला कार्यकर्ता आने वाले दिनों में यही उत्सव उमंग से लेकर के मोदी सरकार की योजनाओं का लाभार्थियों को मिलके और 10 साल में KCR सरकार कितना धोखा दिया, दगेबाजी किया और राष्ट्र को कर्ज में ढकल दिया, युवाओं को बेरोजगार बना दिया, खुद के परिवार के सभी सदस्य सत्ता भी हासिल की, गरीबों का पैसा भी राज्य का पैसा भी लूट किया और अमीर बना। यह तेलंगाना राज्य बनते वक्त मुद्दा सभी युवकों को नौकरी देना, हर खेत को पानी देना, हर गरीब को मकान देना, हर गांव को मूलभूत सौकर्य देना, यही आशा और आकांक्षा के साथ तेलंगाना राज्य बना था। लेकिन 10 साल में KCR की राजनीति से तेलंगाना की आम जनता, खास करके गरीब, दीन, दलित, पिछड़ा, महिला, युवा बहुत अंधकार में हो गए, उनका भविष्य। इसी के लिए इसी ढंग से कांग्रेस का भी हाल KCR पार्टी का हाल ही है। इसी के लिए हमारा अभ्यर्थी और इस बार इस क्षेत्र के जनता एक अच्छा इंसान भारतीय जनता पार्टी का आचार्य जी को कई बार कमी मतों से उन्होंने यशस्वी बने थे। लोगों में काफी सहानुभूति भी है और आचार्य जी को अच्छा खासा लीड से विजय जीत दर्ज करें। धन्यवाद। भारत माता की अंदर की नमस्कारम। मोदी जी के, आचार्य जी के, अंदर की बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, आपकी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो गया है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। जहां से भी देखो, जहां से भी देखो, मैं हैदराबाद से आते वक्त जहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव लगा, वहां से यहां तक आने में मेरे को 3 घंटे लगा, 3 घंटे। ये जज्बात, ये उमंग, 6 बार का हिसाब, 6 बार का हिसाब एक चुनाव में देना है, 5 बार का चुनाव का हिसाब, जो थोड़ा थोड़ा वोट से जो गम्मत किया था ना TRS वगैरह, उसका
चुन चुन के हिसाब लेना ये चुनाव चुन चुन के। और तेलंगाना में सबसे ज्यादा मतों से आचार्य जी को जिताने वाले आपका क्योंकि आप साढ़े तीन बज रहा है, सुबह 10 बजे से गांव छोड़ा है आपने, आप में जज्बात खाना भी नहीं, तो ये आपकी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और आचार्य का ताकत है। आने वाला 20 दिन यही जोश घर घर जाके गांव गांव जाके मोदी जी सरकार का उपलब्धियों को हर घर में मोदी सरकार का लाभार्थी कम से कम 4 लोग है। आजाद भारत के अंदर इतना बड़ा केंद्र सरकार का लाभार्थी कभी भी नहीं मिला था और मोदी जी हमको सुरक्षा दिया है, हमको रोजगार दिया है, हमारा अर्थव्यवस्था सुधारने का कदम उठाया है। यही यहां के मुख्यमंत्री केसीआर जब तेलंगाना का एजुटेशन था, आप जैसे नवयुवक नौजवान एक सपना देखा था कि तेलंगाना सेपरेट होने के बाद हमको नौकरी मिलेगी, हमारा हाथ को काम मिलेगा, तेलंगाना बंगारों बनेगा। लेकिन केसीआर धोखेबाज तेलंगाना तो तुम्हारा हजारों हजारों नवयुवकों का बलिदान होने के बाद तेलंगाना राज्य बना, लेकिन आपने क्या वायदा किया था, पहला मुख्यमंत्री दलित को बनाऊंगा, बनाया क्या जी? नहीं बनाए ना। तो दलित जितने भी है गांव में उसका कैंडिडेट को गांव में आने नहीं देना। आज इतना ही नहीं, केसीआर पूरा फायदा वो और उस परिवार का सभी सदस्य, केसीआर बेटा बेटी दामाद भतीजा सारे के सारे सत्ता में आकर के केवल और केवल लूट मचाया है उन्होंने। इसी के कारण यहाँ का जो उनका प्रत्याशी है अभ्यर्थी है उसका हिसाब लेना, तुमने कितना लूटा है और क्या किया है करके आपने हिसाब लेना चाहिए, तब जाकर के घर घर जाकर के लोगों को विश्वास दिला दो, मोदी जी का गारंट दे दो, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, बीसी का मुख्यमंत्री बनेगा और केंद्र सरकार से ऑलरेडी नेशनल हाईवे बना दिया हमारे आचार्य जी ने और आप चुनते रेलवे लाइन आएगी, रेलवे लाइन कर्मठ कार्यकर्ता बंधु सभी कार्यकर्ता कर्मठ सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधु
मुझे आप विश्वास दो, आने वाला 20 दिन रात दिन हर घर हर व्यक्ति मैं 10-10 बार मिलूंगा मोदी जी के नाम के ऊपर, बीजेपी के नाम के ऊपर वोट मांगूंगा। और हमारा चिन्ह कमल, और मुझे पूरा विश्वास है मेहनत आपका 20 दिन का मेहनत, फिर से बोल रहा हूँ, आपका 20 दिन का मेहनत 3 दिसंबर को रंग लाएगी, बहुत बड़ा अंतर से रंग लाएगी। और आज चाहिए 50,000 से ज्यादा अंतर से जीतना चाहिए, जिताओगे ना, जिताओगे ना, जिताओगे ना। धन्यवाद।